का क्या होगा? यहाँ पे बच्चों का आगे अगला ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा है, सर 2-2 की बात तो हम समझ गए, उस नोटिफिकेशन को भी हम समझ गए, लेकिन सर 2021 का क्या होगा, हमारा नीट कब होगा और क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे, कुछ होगा नहीं होगा? तो चलो भाई ये भी हम जरा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि 2021 का नीट अब अगस्त को तो नहीं होगा, पहले डेट आई थी 1 अगस्त, अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इट विल नॉट बी ऑन 1 अगस्त। तो कब होगा? ये होगा भाई सितंबर में, ठीक है। अब सितंबर के 4 संडे हैं, कौन से संडे को होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, 5-12, क्योंकि अभी डिसाइडेड नहीं है। मंथन चल रहा है सरकार का, वो सितंबर में ही कराने का है, ठीक है, क्योंकि अब कोविड की जो ये सेकेंड वेव थी ये वापस फ्लैट होके फिर ऊपर जा रही है हल्की सी, तो ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा ऊपर जाने लग जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए सितंबर ही मोस्ट प्रोबेबल मंथ है, ठीक है, नीट के एग्जाम के लिए। ये तो बात होगी नीट 2021 की। फिर आप पूछेंगे सर तो 2021 में कोई पैटर्न चेंज हो सकता है क्या? 2021 के एग्जाम में कोई पैटर्न चेंज आ सकता है? जैसा कि हमारे एक्स स्वास्थ्य मंत्री जिनको अब उनकी जगह दूसरे बन गए हैं, है ना, पोखरियाल जी, उन्होंने कहा था कि इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है, ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है उनका नाम सुन के चेहरे पे। तो अब क्या चेंज होगा? और इसमें कई उन्होंने ऐसी मीठी मीठी बातें भी करी थी, जैसे उन्होंने कहा था कि इंटरनल चॉइसेस मिल सकती है क्या हमको, अटेम्प्ट जैसे 50 में से 45 अटेम्प्ट करो, 4 सब्जेक्ट होते हैं, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या सर कि हमको ऐसा मिल जाए कि है ना फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हों, केमिस्ट्री के 50 हों, बॉटनी के भी 50 हों और जूलॉजी के भी 50 हों, ठीक है, और हमको ये बोला जाए कि इनमें से कोई 45 एनी 180 करने हैं, मतलब एनी 45 × 4 यानी कि 180। अब अगर पोखरियाल जी ने जो कहा था और एनटीए वो करने को तैयार है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन एनटीए, क्योंकि अब एजुकेशन मिनिस्टर ही बदल गए हैं, तो अगर हमारे नए शिक्षा मंत्री, क्योंकि देखो सरकार हमेशा पॉपुलर डिसीजन लेती है, आपने पेपर देखा होगा नीट 2020 का, 720 out of 720 आए हैं बच्चों के। क्या अगले साल अभी 2021 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? यही होगा, थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है इससे, लेकिन ठीक है, क्योंकि इस बार भी कोविड की जो सेकेंड वेव आई है उसके बाद बहुत लोग नाराज हैं सरकार से, और जब सरकार से नाराज होते हैं लोग तो आपको पता ही है एडमिनिस्ट्रेशन चॉकलेट बांटना शुरू कर देता है। तो ये बोर्ड के एग्जाम ही नहीं होंगे, अच्छी बात है, मत लो यार बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, कुछ मत लो, नीट तो लेना मजबूरी है, तो नीट तो लेंगे, लेकिन पेपर का लेवल इजी रहने की पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि इस तरह का कोई मिठाई खाने के लिए आप लोगों को मिल जाए कि 50 में से 45 45 ही करने हैं, इस तरह की कोई चीज़ इंटरनल चॉइसेस वाली, ठीक है। लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रिपीट, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप लोगों को तो पता है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट ऑफ ऊपर चली जाती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ए हाई कट ऑफ, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ आएगी तो वो कट ऑफ को ऊपर ही ले जाएगी, नीचे नहीं। पर अभी का जो माहौल है देखते हुए, जो देश में जो कोविड की वजह हुआ है, उसके बाद पेपर को इजी रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में कुछ इंटरनल चॉइसेस दे देना, ये सब चीज़ें होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब जरा 2022 की बात पे, तो 21 की बात मैंने आपको बताई।